Simon Fraser University. There are three campuses for the public research university Simon Fraser, British Columbia. It was started back in 1965. The university received a position 301 to 400 worldwide and 30 to 17 in Canada in the 2020 academic ranking World University. The university was placed 328 overall and 13 in Canada in 2023 QS World University Ranking. In the list of best global universities, Simon Fraser University is listed as 317. The acceptance rate at this university is 59% only. बात करते हैं इसके entry requirement के बारे में. Undergraduate HSC वाले जो students हैं वो direct entry के लिए eligible हैं. But they need 60% marks on average. Minimum आपके पास 60% on average each subject major में होने चाहिए. Overall 60 होने चाहिए. International basket वाले के पास minimum 28 points होने बहुत जरूरी हैं. A levels वाले के पास double A, B या triple B होना बहुत जरूरी है. Post graduate की बात करूँ तो bachelor's की degree आपके पास होना बहुत जरूरी है with 3.5 CGPA out of 4, which means अगर आप तो 4 हैं तो आप समझे कि आपके पास 75% plus marks हैं, then you are eligible for the post grad, otherwise नहीं मिलेगा. और अगर आपका 3.67 out of 4 3 है, then you are still eligible. अगर आपके पास 60 credit units की degree है तो आप इसको इस CGPA grading scale के साथ भी आप apply कर सकते हैं. अगर percentage में convert करने से समझे कि 75% plus होना बहुत जरूरी है. बात करते हैं इसकी language requirement के बारे में. IELTS 6.5 with no less than 6.0 each component होना बहुत जरूरी है. TOEFL overall आपसे 88 मांगा गया है with minimum score in 20 each component होना बहुत जरूरी है. मैं चारों component की बात कर रहा हूँ. और अगर मैं PT की बात करूँ तो PT में overall आपके पास 65% होना बहुत जरूरी है with minimum 60 in each communication skill. Then you will be eligible for the entry requirement. कि आप अपना entry criteria को meet करते हैं. ये तो था undergraduate के लिए. अब बात करते हैं postgrad के लिए. Postgraduate में आपके पास जो IELTS इन्होंने मांगा है वो overall 7 मांगा है, जिसमें आप समझें कि कोई आप कोई specific जो band है वो आपका 6.5 in each component होना बहुत जरूरी है. Then you will meet the criteria. TOEFL की अगर IBT की बात करूँ तो वो 93 मांगा है मिनिमम, जिसमें 20 इन ईच कैटेगरी या ईच सब स्किल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम PT की बात करें तो PT भी इसी तरीके से आपसे काफ़ी हाई मांगा गया है इस यूनिवर्सिटी में. PT में आपके पास ओवरऑल जो है वो 65 होना बहुत ज़रूरी है विद मिनिमम 16 ईच, देन यू विल एलिजिबल टू मीट द क्राइटेरिया. तो पोस्टग्रेड वालों के थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ है. बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीसेस के बारे में. जो आर्ट्स की डिग्री है वो 47,661 में मिल जाती है. बैचलर्स ऑफ आर्ट्स फीसेस भी आर्ट्स की अंडरग्रेड की बात करें. आर्किटेक्चर के प्रोग्राम भी सेम 47,661 में मिलते हैं. बिजनेस की डिग्री भी सेम फीस में ऑफर हो रही है. इंजीनियरिंग की डिग्री भी ऑफर होती है सेम फीस में. एजुकेशन, हेल्थ साइंस, लॉ, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजी पढ़ ले, साइंसेज की डिग्री मिले. दिस यूनिवर्सिटी हैज़ द वैरायटी. इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, गुड रैंकिंग यूनिवर्सिटी. दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम. फीस 47,661 कैनेडियन डॉलर इन ऑल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम. यू कैन चूज एनी फैकल्टी एनी डिसिप्लिन. बात करते हैं पोस्ट ग्रेड की. पोस्ट ग्रेड में आर्ट्स की डिग्री 32,196, आर्किटेक्चर भी 32,196, बिजनेस डिग्री भी सेम है, इंजीनियरिंग डिग्री भी सेम है. एजुकेशन, हेल्थ साइंस, लॉ या साइंसेज की डिग्री ले लें, तमाम डिग्री की फीसें सेम है. इवन दो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, वो आपको 32,196 कैनेडियन डॉलर में ही ऑफर हो रहा है. तो पोस्ट ग्रेड पर भी इन्होंने सेम रखा हुआ है. एक स्टैंडर्ड फीस है वट एवर प्रोग्राम यू वांट टू चूज. अच्छा, इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी मास्टर्स ऑफर कर रही है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी ऑफर कर रही है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ डेटा साइंस. तमाम फीसें 32,196 हैं. MBA डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा होता है, इसकी फीस 32,400 कैनेडियन डॉलर्स हैं. साइकोलॉजी की अगर बात करूँ, नर्सिंग की अगर बात करूँ, पब्लिक हेल्थ की बात करूँ, सेम 32,196 कैनेडियन डॉलर पर ईयर की फीस है. बात करते हैं इसकी डेडलाइंस के बारे में. जो अंडर ग्रेजुएट की जो एप्लीकेशन डेडलाइंस है, तो उसकी जो ओपन डेट है फॉल सेप्टेम्बर 2023 के लिए वो अक्टूबर 1 है. अक्टूबर 1 से पोर्टल खुल गया है और January 31, 2023 को क्लोज हो जाएगा. सेकेंड जो समर जो है उसके लिए आप समझेंगे May 2023 को पोल आपका जो है वो December 1 को खुल जाता है और January 15 को आप समझेंगे ये क्लोज हो जाता है. स्प्रिंग की अगर बात करूँ तो अगस्त में आपका जो है वो आपका पोर्टल खुल जाता है, जो कि September 15 में क्लोज हो जाता है. तो समझेंगे 1-1.5 महीने के लिए पोल खुलता है, उसके बाद क्लोज होता है. एप्लीकेशन फीस 125 कैनेडियन डॉलर है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 15 जनवरी जो है वो डेडलाइन है फॉर
अपना जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने की, और वो अपने की फीस 125 कैनेडियन डॉलर्स ही रहनी है। अब जानते हैं इसकी लिविंग कॉस्ट के बारे में। लिविंग कॉस्ट समझें कि ऑलमोस्ट ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें जो कि लिविंग कॉस्ट की बात करें, अगर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लाइज की बात करूँ तो 1920 कैनेडियन डॉलर्स पड़ जाता है। अगर रेसिडेंसी की बात करें तो वो आप समझें कि वो इंक्लूडिंग मील, जिसमें अगर सिंगल सेपरेट रेसिडेंसी है तो वो 11,874 कैनेडियन डॉलर्स आपको पड़ता है। आप समझेंगे वही एवरेज आपका 1000 डॉलर से कम बनता है, 990 समथिंग बनता है, लेकिन आप ऑन एवरेज आप 1000 डॉलर रख लें, जिसमें आपके मील भी इंक्लूडिंग 1000 डॉलर में बहुत मुझे अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो वो 868 कैनेडियन डॉलर्स बनता है, तो समझेंगे 47,386 कैनेडियन डॉलर पर एनम आपको बजट चाहिए, जिसमें आपकी पूरी साल की ट्यूशन फीस, लिविंग, मील, हेल्थ ईच एवरीथिंग विल बी इंक्लूडिंग इन इट। बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप के बारे में। अंडर ग्रेजुएट की जो स्कॉलरशिप है ये ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, उसको कॉल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्कॉलरशिप। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने तमाम डिटेल्स लिख दी हैं कि जी ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट किस तरीके से ले सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, किस तरीके से वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। CGPA भी आपका 3.50 ही मांगा गया है, और इसकी डेडलाइन जो है वो 19th of December है। 19th of December से पहले पहले आपने इसको अप्लाई करना है, देन यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। पोस्ट ग्रेड में मिल जाती है अंडर ग्रेजुएट की, वैसे भी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेड वाले स्कॉलरशिप से फायदा उठाएं और अपनी फीसिस को मजीद रिड्यूस कर लें। सेकंड स्कॉलरशिप जो ऑफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैकबॉल मैकबेन स्कॉलरशिप। ये अंडर ग्रेजुएट वालों और पोस्ट ग्रेड दोनों के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट वाले दिल छोटा ना करें। पहले मैंने जो स्कॉलरशिप बताई थी वो सिर्फ पोस्ट ग्रेड को स्पेसिफिक टारगेट कर रही थी, ये अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों के लिए। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने तमाम स्कॉलरशिप क्राइटेरिया दे दिए हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री में, मास्टर्स की डिग्री में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां पर आप चले जाएं तो इस स्कॉलरशिप की तमाम डिटेल्स आपको उसमें मिल जाती हैं। अच्छा, इसका जो जो आपकी वैल्यू ऑफ अमाउंट है वो आप समझेंगे 2000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ है, और ये आपको ऐसा स्टाइपेंड मिल रहा होता है, तो इस स्कॉलरशिप को लाजमी अप्लाई करें। ये एक एडिशनल सपोर्ट है आपको आपकी ट्यूशन फीस के अंदर, आपको 2000 डॉलर अगर आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, विच मीन कि आप अपना पूरा लिविंग बड़ा इजीली कवर सकते हैं। इवन दो आपको सेविंग भी हो रही होगी जो आपको हेल्प कर रही होती है समाउ कुछ ना कुछ फीस में फंड करने के लिए, 2000 एक हैंडसम अमाउंट है।